के बाद फिर से एक बार मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर हमारे लिए खोल के दिए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह अत्यधिक होने पर परमेश्वर हमें आज भी जीवितों के मध्य स्थान रखकर हमें सब कुछ देकर हमें जिलवा रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से कलीसिया के बारे में हम लोग देख रहे थे, कलीसिया के श्रेष्ठता के बारे में, नहीं तो कलीसिया के योगदान के बारे में, नहीं तो कलीसिया की फाउंडेशन किस पर, यीशु मसीह के ऊपर, वचनों के ऊपर हम लोग देख रहे थे। वही चीज़ को आज भी हम लोग ध्यान करके देखेंगे, कलीसिया की फाउंडेशन कैसी है, उसकी फाउंडेशन की श्रेष्ठता कहाँ से है, वो सब चीज़ें आज भी हम लोग देखेंगे। आज के मनन के लिए एफिसियों का किताब दूसरी अध्याय उसका 20 और 21वां वचन, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 एंड 21। या 20 और 21। Amen, praise God। तो वहां पे बताया गया वचन में हम लोग देख सकते हैं कि उस कलीसिया का फाउंडेशन किसके ऊपर बना हुआ है, प्रेरितों के ऊपर और भविष्यत वक्ताओं के ऊपर लिखा है, हैविंग बीन बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ एपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स विद जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ एज द कॉर्नर स्टोन। तो यीशु मसीह कलीसिया के कॉर्नर हैं, कॉर्नर स्टोन, मोल पत्थर, मगर फाउंडेशन किसके ऊपर बना है, फाउंडेशन बना प्रेरितों के ऊपर और भविष्यत वक्ताओं के ऊपर, अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स। प्रेरितों का काम कहाँ है, प्रेरितों का काम कलीसिया के बाहर है, प्रॉफिट्स का काम कहाँ है, कलीसिया के अंदर है। तो बाहर के झुंड को अंदर लाने वाला काम है फाउंडेशन का। हेलो, बाहरी झुंड को कलीसिया के अंदर लेके आकर फाउंडेशन में मजबूत करने वाला हिस्सा, इसीलिए कलीसिया का कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह बने, कलीसिया का मूल पत्थर यीशु मसीह बने। तो कलीसिया का फाउंडेशन प्रेरितों और भविष्यत वक्ताओं के होने पर भी उनको जोड़ने वाला व्यक्ति यीशु मसीह खुद है। यीशु मसीह से ही लोग क्या है, प्रेरितों, भविष्यत वक्ताओं और कलीसिया के विश्वासों सब एक साथ जुड़ित होकर परमेश्वर के मंदिर बन के खड़ा होता है। हेलो, जो कुछ भी है सोर्स यीशु मसीह से ही है, यीशु मसीह के बिना कोई और सोर्स है ही नहीं। कलीसिया का फाउंडेशन प्रेरितों और अपोस्टलों, प्रेरितों और भविष्यत वक्ताओं होने पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वो ही है कलीसिया के मेन। कलीसिया के मेन कौन है, यीशु मसीह है। इसलिए इधर बताया गया है 21वां वचन में बताया गया, देखो 21। जिसमें सारी, नो 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 नो, जिसमें सारी रचना एक साथ है, बस बस बस, जिसमें सारी रचना एक साथ है, उसका इंग्लिश में बताया गया, वेयर इन होम द होल स्ट्रक्चर इज जॉइंट टुगेदर, पूरी रचना एक साथ में। तो उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है, यीशु मसीह खुद है। कलीसिया का फाउंडेशन कौन बना, प्रेरितों और भविष्यत वक्ताएं बने, मगर उनका फाउंडेशन कौन है, खुद यीशु मसीह। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ मिलकर है, मिलकर होने पर उसे क्या कहा गया है, परमेश्वर की पवित्र मंदिर, होली टेम्पल। हाँ, परमेश्वर की पवित्र मंदिर जब मिलकर बढ़ना शुरुआत करते हैं, कलीसिया क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, कलीसिया क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों, जब मजबूत फाउंडेशन है, जब सोर्स, जब सोर्स, जो उसकी स्रोता
अगर सटीक है तो ऊपरी हिस्सा में इजी से बढ़ के आ सकते हैं, समझ रहे हो? अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तुम ऊपर जितना भी बढ़ा सकते हो, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो ऊपर कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए इधर बताया गया क्या है, वो बढ़ते बढ़ते परमेश्वर का मंदिर बनना चाहिए और परमेश्वर के लिए पवित्र और परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ बना हुआ एक जगह बननी चाहिए। एक और बार 21वां वचन पढ़ते हैं, बन के जाती है। उसके बाद एक और बार 22वां वचन, एक और बार, बस 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 बस, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, हेलो, हमें किसमें आत्मा के द्वारा, विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें क्या कर दिया, मिलवा के रखा है आपस में। तो कलीसिया के लोगों को मिलवाने वाली कौन सी चीज है, आत्मा की शक्ति ही लोगों को मिलाता है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो मेरे अंदर भी है, सबके अंदर एक ही आत्मा। इसीलिए पौलुस कहता है बपतिस्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं, आत्मा अलग नहीं, हेलो। तो वो जगह परमेश्वर का निवास योग्य, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड, हेलो, अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो परमेश्वर नहीं रुक सकते। इमारत की ऊंचाई जितनी होगी उसकी फाउंडेशन भी उतनी ही स्ट्रांग रहनी चाहिए। द हायर द टावर द लोअर द फाउंडेशन इज, उतनी मजबूत होनी चाहिए। परमेश्वर का निवास योग्य बनना है तो फाउंडेशन पक्का रहना है। इसलिए इधर बताया गया यीशु मसीह ही खुद उसका फाउंडेशन है, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करते हैं, मिलाते हैं। प्रेरितों क्या है, भविष्यवक्ताएं क्या है, विश्वासियां क्या है, जो कोई भी है, सबको कौन मिला रहा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा ही सबको मिला रहा है। इसलिए बाइबल क्या कहता है, एक व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु बोलकर मानना है तो उसको क्या किसकी जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। बस पवित्र आत्मा की जरूरत खाली यीशु को प्रभु ही बोलने के लिए है ही नहीं, उस प्रभुता में रुककर क्या करना, एक बपतिस्मा की अनुभव करने के लिए, पवित्र आत्मा की एक बपतिस्मा, हेलो, पवित्र आत्मा की एक बपतिस्मा की जरूरत है। लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं उससे काफी नहीं होता, उससे और अधिक बपतिस्मा की, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का अनुभव, तो ही हमारा ड्वेलिंग परमेश्वर के साथ सहवास हो सकती है। बहती हुई नली, बहती हुई झरना, बहती हुई कोई भी चीज, उसमें क्या है, एक शक्ति और एक सामर्थ है। बहने वाली चीजों में गंदगी उतनी नहीं रहती, इसलिए गंगा का पानी आज भी साफ है। क्यों, फ्लो है, फ्लो, इट हैज ए फ्लो। कितने लोगों को दफनाया जाता है, कितने लोगों को आधा जलाकर डाल दिया जाता है, कितना कलंकित चीजें डाल दिया जाता है, मगर उस पानी का फ्लो स्पीड ज्यादा होने के कारण क्या होता है, कलंक जो कुछ भी है मिट जा सकता है। ऐसा है तो अभिषेक कौन सा, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा अगर एक व्यक्ति पाता है, वो झरना के समान अगर कलीसिया के अंदर बहना शुरू करता है, विश्वासियों में बहना शुरू कर सकता है, भविष्यवक्ताओं में बहना शुरू कर लेता है, तो और क्या, प्रेरितों में बहना शुरू करता है, तो वो उसमें एक क्लैरिटी आ सकता है, देयर शुड बी ए क्लैरिटी सीन। Thank you.
इसीलिए प्रेरितों का किताब में देख सकते हैं दूसरी अध्याय में, आत्मा की बहना घर के अंदर आने पर वो लोग घर के अंदर रुके नहीं, घर के अंदर से वो लोग बाहर निकलना शुरू किए। फ्लो बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उनको एक जगह में रुकवाता नहीं है। इसलिए पवित्र आत्मा की बपतिस्मा काय के लिए, ताकि बहने की शक्ति हमें मिलने के लिए। एक जगह में रुकने वाला पानी कीचड़ों का अड्डा है, इन्फेक्शन का अड्डा है, आया ना। इसलिए एक जगह में रुकी हुई पानी कोई पीता नहीं है, आया ना। क्यों? उसमें गंदगी ज्यादा है, वो बहता नहीं है, इसलिए वो निर्जीव है। मगर बहने वाली नदी निर्जीव नहीं, उसमें कुछ ना कुछ जीवन है। इसलिए मेरे बोलने का मतलब, फाउंडेशन यीशु मसीह में है, फाउंडेशन यीशु सॉरी मूल पत्थर यीशु मसीह है, फाउंडेशन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के ऊपर है, और मिलाने वाला व्यक्ति कौन? खुद आत्मा, ताकि परमेश्वर का निवास योग बन सके कलीसिया। चर्च इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड। इसका अर्थ यह नहीं है कि चर्च में 24/7 परमेश्वर रहते हैं, ऐसा नहीं है। जब विश्वासी आता है तब परमेश्वर को लेके आता है, तो अब कलीसिया कौन बना? जो व्यक्ति आत्मा से पूर्ण है वो कलीसिया है, और चर्च जो है वो एक घर है, नहीं तो एक इमारत है। तो वो इमारत में कब? जब लोग मिलके आते हैं तब परमेश्वर की सानिध्य को अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए बाप पावल, इसीलिए कुरिन्थियों के किताब में, तो क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास योग्य, तुम चलते फिरते परमेश्वर का मंदिर हो, यू आर ए वॉकिंग टेम्पल। जैसे पुराने नियम में मिलाप वाली तंबू लोग उसको उठा के ले जाते थे, वैसा नया नियम का तंबू हम हैं। हमें मिलाने वाला चीज परमेश्वर की आत्मा की शक्ति, समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए इस कलीसिया का सोर्स यीशु मसीह बन रहा है, इस कलीसिया को मिलाने वाला व्यक्ति खुद पवित्र आत्मा बन रहा है, और उसमें जो जो भी लोग भाग लेते हैं उनको बनाने वाला, मिलाने वाला खुद परमेश्वर की आत्मा ही है। इसलिए कलीसिया को किसकी चीज की जरूरत है? आत्मा की जरूरत। इसलिए पौलुस कहता है आत्मा से भरो, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर की आत्मा के बारे में? आत्मा की श्रेष्ठता ही पौलुस क्या करती है? बहुत अधिक रीति से बोलती है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है, जो कोई भी मेरे से पानी पिएगा वो कभी भी क्या नहीं होगा? प्यासा नहीं होगा। नहीं तो तेरी प्यास बुझाने वाली, नहीं तो तेरे प्यास की उस चीज को तसल्ली देने वाला खुद परमेश्वर ही है, और कोई है ही नहीं, ठीक है? इसीलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कलीसिया की फाउंडेशन, कलीसिया की सोर्स यीशु मसीह, और कलीसिया में मिला के रखने वाला कौन? पवित्र आत्मा की शक्ति। और कलीसिया के फाउंडेशन किन किन के ऊपर? प्रेरितों के ऊपर और भविष्यवक्ताओं के ऊपर। तो प्रेरितों का काम क्या है? प्रेरितों का मतलब मैसेंजर, मैसेज बोलने वाला। प्रेरितों का काम कहां है? बाहर है, आउटसाइड। प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे चिन्ह, बहुत सारे अद्भुत कार्य हैं, ताकि अविश्वास करने वाले झुंड को क्या कर सकते हैं? इन चिन्ह चमत्कारियों से क्या कर सकता है? कलीसिया के अंदर ला सकता है। जब व्यक्ति कलीसिया के अंदर रहता है तब उसको उनको क्या देना चाहिए? भविष्यवाणी, प्रोफेसी। इसलिए बाइबल कहता है भविष्यवाणी किसके लिए? कलीसिया की वृद्धि के लिए, एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। प्रोफेसी इज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द चर्च। प्रोफेसी आना है तो बोलने वाला पवित्र आत्मा में भर्ती होना है, सुनने वाला भी पवित्र आत्मा में भर्ती होना है,
तो ही वो प्रोफेसी प्रोफेसी बनता है। बोलने वाला भी पवित्र आत्मा से भरना है, सुनने वाला भी पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि दोनों के अंदर एक ही आत्मा। सेवकाई भिन्न है, क्यों? पवित्र आत्मा की श्रेष्ठता भविष्यवाणी बनकर कलीसिया के अंदर दिखाई देने का काम क्या है? ताकि कलीसिया को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ठीक है ना। अब प्रेरितों का किताब 4वां अध्याय उसका 11वां वचन, द बुक ऑफ एक्ट्स chapter 4 verse 11, प्रेरितों का किताब 4:11, लो ये पुराने नियम से निकाला गया वचन है। 4:11 कहां से? भजन संहिता 118 का 22वां वचन है। तो ये पुराने नियम का एक व्यवस्था है, पुराने नियम का एक भविष्यवाणी है। उसको कौन फिर से दोहरा के बता रहा है? पत्रस फिर से दोहरा के बता रहा है। वो मेरे साथ, हेलो, ये कौन दोहरा के बता रहा है? पत्रस खुद बता रहा है। कब? जबकि उनको पकड़ा गए थे, किसके वास्ते? एक लंगड़े व्यक्ति को पकड़ जाने के बाद, नहीं तो उसके बाद कलीसिया को यह बता रहा है कि जो पत्थर को लोग ने छोड़ दिया था, वही पत्थर क्या बन गया? हमारा श्रेष्ठ पत्थर बन गया। ही बिकेम अवर कॉर्नर स्टोन, जिसको लोग तुच्छ माने, उसी चीज को परमेश्वर क्या किए? श्रेष्ठ बना डाले। इसलिए 4वें अध्याय में जो बात पढ़ते हैं तो देख सकते हैं उसकी 9वीं 8वीं वचन एक बार पढ़ के देखो। 8:4 हाँ, ये किसको बोल रहा है? बस बस बस, पवित्र आत्मा से भर के किसको बोल रहा है? कलीसिया के अंदर के लोगों को नहीं, कलीसिया के बाहर के लोगों को। उनको ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह ही है फाउंडेशन, यीशु मसीह ही है सोर्स, यीशु मसीह ही है शुरुआती, यीशु मसीह ही है कुछ कर सकते हैं, यीशु मसीह ही लोगों को उधारी दे सकता है, यीशु मसीह ही लोगों को चंगा दे सकता है, यीशु मसीह ही एक व्यक्ति को कलीसिया के अंदर योगदान दे सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो बताए गए जो मनुष्य लोग हैं कौन? वो लोग शास्त्री लोग, फरीसी लोग, मंदिर के श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति लोग हैं। उनको हर दिन मंदिर में जाना, हर दिन भेंट देना, हर दिन चंदा देना, हर दिन दशमांश देना, उपवास करना, सब कुछ वो लोग को मालूम है। मगर वो लोग ये सब ये कैसे कर रहे थे? एक रिलीजियन के कस्टम के हिसाब से करते थे, एक धर्म का अनुष्ठान के हिसाब से करते थे, परमेश्वर के ऊपर सच्चे दिल से नहीं। हम लोग का सबका सोच विचार यह है कि पवित्र आत्मा में पूर्ण केवल कलीसिया के अंदर हो सकते हैं। नो, कलीसिया के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की वर्ती जरूरी है, तुम कलीसिया हो। इसलिए पत्रस यहां 8वें वचन में क्या कर रहा है? वो पवित्र आत्मा में भर गया कब? लोगों से बात करते वक्त, आया ना? कलीसिया के अंदर नहीं हमारा भर्ती, भर्ती हमारे अंदर होना चाहिए। एनी टाइम 24/7 फिलिंग। सुबह फिल करो, रात को अगर खाली हो जाता है नेक्स्ट डे फिर से फिल करो, फिल एम्प्टी, भरो एम्प्टी करो। इसलिए पौलुस क्या कर रहा था? जो यीशु मसीह को तुमने, 11वां वचन, हाँ 4:11, हेलो, राज मिस्त्रियों ने क्या किया? तुच्छ जाना।
माने यीशु मसीह का प्लान को वो लोग तुच्छ मानना शुरू किए, यीशु मसीह की व्यवस्था को वो लोग तुच्छ मानना शुरू किए, यीशु मसीह की आराधना को लोग तुच्छ मानना शुरू किए, यीशु मसीह की कलीसिया को वो लोग तुच्छ मानना शुरू किए। तुच्छ मानना मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मायना नहीं, ज्यादा फायदामंद नहीं, उस रीति से था इनका रीति रिवाज है, आराधना परमेश्वर के साथ मिलाओ सब कुछ ऐसा ही था, ऐसे ही दिखाने के लिए। क्योंकि उन जमानों में जो फरूसी सदीकी और कलीसिया के जो याजक थे वो लोग क्या बोलते हैं, लोगों के ऊपर राजाओं के पदवी पाए थे, राज्य सिंहासन के साथ उनका बहुत मिलाव था, नहीं तो वो लोग पॉलिटिकल सिस्टम के साथ हाथ था उनका, इसलिए परमेश्वर से ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इनका भरोसा ज्यादा था। जो कुछ भी है पैसे के बल पर ये लोग करते थे, जो कुछ भी है शक्ति सामर्थ्य के बल पर करते थे, परमेश्वर के इच्छुक मन, इसीलिए वहां पर बताया जो पत्थर वो लोग तुच्छ माने, कौन पत्थर, जो परमेश्वर ने उनको जो जो व्यवस्थाएं दिया उन सब चीजों को वो लोग तुच्छ मान रहे थे, उनको पतरस बोल रहा है क्यों यीशु मसीह को तुच्छ मान रहे हो, वो तुच्छ मानने वाला व्यक्ति ही तुम्हें क्या कर सकता है, उधारी दे सकता है, कलीसिया में योगदान दे सकता है, स्वर्गीय पदवियां दे सकता है। हेलो, जब ये वचन ये बातें बोल दिया गया तो इनके अगेंस्ट बोलने वाला बात है, इसलिए 12वां वचन क्या कहता है देखो, 12:4-12 किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किससे हमें मिलता है, खाली यीशु मसीह से ही, यीशु मसीह ही है मानवों को उद्धार देने वाला एक ही परमेश्वर, और कोई है ही नहीं। तुम किसी भी धर्म के हो सकते हो, तुम किसी भी जाति के हो सकते हो, तुम किसी भी व्यवस्था के हो व्यक्ति हो सकते हो, तुम कैसे भी मनुष्य हो सकते हो, उद्धारी पाना है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस यीशु मसीह को जो तुच्छ माना है बस एक्सेप्ट कर लो, बस उतना काफी है, नाम गांव परिवर्तन कुछ की जरूरत नहीं। वो पतरस जब बोल रहा था तो लोगों को कैसा लगा होगा सोच के देखो, इसलिए मेरे बोलने का मतलब कलीसिया का सोर्स खुद परमेश्वर यीशु मसीह ही है, कलीसिया का फाउंडेशन यीशु मसीह पर ही है, कलीसिया का जो कुछ भी है वो यीशु मसीह के ऊपर ही आधारित है। अब उसी 5वां अध्याय उसका 30 और 31 पढ़ के देखो, हेलो, हमारे पाप परदादों से तीसवां वचन फिर एक बार, हमारे बाप परदादों से यीशु ने क्या किया, द गॉड ऑफ अवर फादर रेज्ड अप जीसस, यीशु मसीह को किसने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, ठीक है। उसके बाद किसने क्रूस पर मार डाला, वेट किसने क्रूस पर यीशु को मार डाला, तुम मतलब जो सुन रहे हैं, वो एक जमाने में मैं था सुनने वाला, मैंने यीशु को मारा था, अब ये बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, अब मैं बाहर जाके बोलूंगा तुमने यीशु को मारा है बोलने से वो क्या बोलेगा, थप्पड़ मारेगा, मैं कैसे मारा, मैंने को यीशु को जानता तक नहीं हूं, मैंने यीशु को देखा तक नहीं हूं, मैंने यीशु को कत्ल तक किया नहीं, तू कैसा बोल रहा है मेरे, तूने यीशु को मारा बोलने से, इसका मतलब क्या है। एक जमाने में पतरस ये वचन जब घोषणा कर रहा है किसको बोल रहा है, लोगों को बोल रहा है कि तुमने यीशु को मारा है, वो है सुसमाचार, किसने यीशु को मारा है,
रोमा सैन्य ने ही नहीं यीशु मसीह को मारा, रोमा गवर्नमेंट ने यीशु मसीह को मारा। किसने मारा? मैंने मारा, तुमने मारा, हमने मारा। किस वास्ते? हम पापी थे, हमारे अंदर पाप की श्रेष्ठता थी। उस पाप की श्रेष्ठता ही परमेश्वर को फोर्स किया मरने के लिए। है मेरे साथ? क्लियर? मेरे साथ हो? तुमने जो यीशु को मारा, मतलब एदन के वाटिका से आदम और हव्वा निकल जाने के बाद फर्स्ट काम क्या हुआ जानते हो? हत्या। भाई भाई का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। एक छोटा बड़े भाई, छोटे भाई का क्या किया? कत्ल, मर्डर। अगर क्यों मर्डर किया? आराधना के लिए मर्डर किया, ऐसा बोलो। अरे किसी की मर्डर करने से, इसलिए बाइबल कहती है तुम अपने भाई के ऊपर क्रोध मत करो, वो क्या है? मर्डर है। अगर तुम किसी को प्रेम नहीं करते हो तुम मर्डर कर रहे हो। अगर तुम किसी व्यक्ति को बुरे नजर से देखते हो तुम मर्डर कर रहे हो। तो परमेश्वर का सिस्टम थोड़ा देखो कितना डीप है। ऐसा करने पर हम किसको मर्डर कर रहे हैं? उस व्यक्ति को। उस व्यक्ति को जब हम मर्डर कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि यीशु मसीह तेरे, तुझे और मुझे एक ही जैसा क्या किए? जीवन दिए, एक ही जैसा परमेश्वर खून दिए, एक ही जैसा शरीर दिए, एक ही जैसा सब कुछ दिए। जब मैं तुझे मार रहा हूं, मैं तुम्हें मार रहा हूं, तो उसका अर्थ क्या है? इनडायरेक्टली जो सोर्स है उस सोर्स को मैं मार रहा हूं, श्रोता को मैं मार रहा हूं। इसलिए पतरस कह रहा तुमने यीशु को मारा। तो लोग पूछेंगे मैंने कैसे यीशु को मारा? मैंने तो यीशु को देखा तक नहीं, मैंने तो यीशु को जानता तक नहीं, मेरे तो यीशु को साथ कोई रिश्ता नहीं। तभी हम उनको बोलना पड़ेगा क्या कि यीशु मसीह ही खुद मनुष्य को क्या किया? बनाया है। बनाया हुआ उस परमेश्वर को हम लोग अगर स्थान नहीं देते, नहीं तो उस परमेश्वर से बना हुआ व्यक्तियों को, मनुष्य को अगर हम प्रेम, हमदर्दी, दया नहीं दिखाएंगे, इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं? कत्ल कर रहा हूं। इसीलिए कत्ल किया हुआ व्यक्ति कहां पे आना है? यीशु के निकट आना। इसीलिए वहां पे तीसवां वचन क्या कहता है देखो फिर एक बार। तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। क्यों? पाप। तो अभी पाप कहां पे है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। ओ मेरे साथ हो? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटका खड़ा है। अब लटका खड़ा हुआ चीज को अभी कौन, सूली पर कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे बदले क्या किए? क्रूसार्पित होकर मरे। हमने उसको मार दिया ताकि हमें क्या मिली? छुटकारा मिल पाए। उसका 31 32। वेट 31 माफ करना 31। किसको किसको किसको? यीशु मसीह को ही प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में। हाँ, तो यीशु मसीह का सूली में मरना क्यों? ताकि लोग देखने के लिए, लोगों को दिखाई देना चाहिए। इसीलिए ना लोग देखने की दिखाई देने वाली हिस्से के हिसाब से यीशु मसीह की क्रूस अर्पण हुआ। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर में क्रूस लेकर रखना बड़ी बात नहीं है। अरे क्रूस की नहीं जरूरत, क्रूस के ऊपर जो मरा वो यीशु की जरूरत है।
सूली और वो कीले नहीं हमारे लिए उधारी दिया, सूली कीले हमको ज्यादा कामदायक नहीं है, हमको कौन सा बहुत मूल्यवान है, यीशु मसीह खुद हमारे लिए मूल्यवान है, यीशु मसीह की लहू हमारे लिए मूल्यवान है, यीशु मसीह की त्याग हमारे लिए मूल्यवान है। इसलिए पतरस क्या कर रहा है, लोगों को बोल रहा है, सुसमाचार बोल रहा है कि यह है सुसमाचार जिसको तुमने टंगवा के रखवाया है, वो अभी भी हमारे लिए गवाही दे रहा है, हम उसके गवाही हैं। क्योंकि पतरस गवाही देने का हकदार कैसे बना, पतरस भी अपने भाई को मारने वाला था ना, चक्कू निकाल के एक का कान काट दिया ना, चक्कू निकाल के। तो मेरा बोलने का मतलब, अरे यीशु मसीह के साथ होते वक्त कैसा पतरस के हाथ में चक्कू, हालेलुया। मेरे साथ में हो, अगर यीशु मसीह के साथ घूम रहे तो इसके हाथ में चक्कू कहां से है। क्योंकि 12 चेलों में से पतरस एक ही था, पतरस बुजुर्ग था सबसे, क्योंकि वह शादीवादी किया हुआ व्यक्ति था, थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, इसलिए बुजुर्ग होने के कारण वो बाकी सबों को बचाने के लिए बीच में का चाकू लेके घूमता था। और ये लोग एक जगह रुकते नहीं थे ना, यहां वहां घुमा घुमा करके सेवकाई कर रहे थे, तो इनके हाथ में चक्कू वक्कू सब कुछ था, खाना वाना खाना है ना, खाना वाना बना के रखना है ना, इसलिए ना रास्ते पे जाते थे तो वो लोग क्या निकाल के खाते थे, गेहूं निकाल कर खाते थे, तो चक्कू के बिना कैसे कर लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो पतरस की काम क्या थी, सबको प्रोटेक्ट करना, हा ना, जो बुजुर्ग हैं वो लोग क्या करेंगे, हरदम प्रोटेक्ट करेंगे, आया ना। तो पतरस बुजुर्ग का काम कर रहा था, नहीं तो यीशु मसीह पहले ही बोल सकते, ये चाकू फेंक दे, जरूरी नहीं, तेरे को बोल सकते थे ना, नहीं, ये और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं बोलता हूं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ मिलकर प्रभु भोज के समय में बैठे थे, पतरस कहां पे था, उनके बीच में था, मगर यीशु मसीह सबके पांव धोने के बाद लास्ट में किसका पांव धोए, तो पतरस कहां था, वो रूम के अंदर नहीं, रूम के बाहरी हिस्से में था, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने वाला व्यक्ति था। इसलिए बाइबल कहता है जो पीछे है उसको आगे कर दिया जाएगा, जो आगे है उसको पीछे कर दिया जाएगा। इसीलिए जो पीछे जो पतरस था, उस पतरस को परमेश्वर क्यों किए, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में सामने लेके आए, क्यों, वो प्रोटेक्टिंग मेंटालिटी, समझ रहे हो। बाकी चेलों को क्यों परमेश्वर अधिकार नहीं दिए, यूहन्ना था, मत्थाई था, बहुत सारे लोग थे, उनको ना देकर पतरस को क्यों, क्योंकि पतरस के अंदर एक ऐसी श्रेष्ठता है कि कलीसिया को बचा के रखने के लिए, कैसे बचा के रख, वचनों के आधारित बचा के रखना, सुसमाचार के सार द्वारा बचा के रखना, व्यवस्था के द्वारा बचा के रखना, आत्मा की अभिषेक सबके सबके ऊपर एक रीति से दिलवाकर बचा के रखना, सुसमाचार बोलने के लिए भी फर्स्ट, मार खाने के लिए भी फर्स्ट, भाग जाने के लिए भी फर्स्ट, चक्कू निकाल के मारने के लिए भी फर्स्ट, छलांग लगाने के लिए भी फर्स्ट, यीशु मसीह से भाग जाने के लिए भी फर्स्ट। हेलो, वो पतरस क्या बोल रहा है, हम उसके गवाही हैं। एक जमाने में अगर पतरस को पूछे, हाँ हाँ पतरस चुप चुप चुप, तू ज्यादा डायलॉग मत बाल, यीशु मसीह को जब हम लोग पकड़े थे तू ही था ना, तू चाकू निकाल के मेरे भाई का कान काट दिया, तू ही था, तू गवाही है। तब पतरस को बोलने के लिए जवाब क्या है, हाँ तब मैं अपने भाई को मारने वाले हिस्से के हाथ अनुभव में मेरा जीवन था, मगर आज मैं मेरे भाई को मारूंगा नहीं, मैं आज मेरे भाई को मैं जिलाने की कोशिश करूंगा। एक जमाने में मैं कत्ल करने वाला व्यक्ति था, आज मैं कत्ल करने वाला नहीं, अनंत जीवन का सुसमाचार बोलने वाला व्यक्ति,
एक जीवन में मैं एक जमाने में लोगों को झूठ बोलकर मैं क्या करता था, यीशु मसीह को मार रहा था, विश्वास को मार रहा था, आत्मिकता को मार रहा था। आज मैं सच बोलकर आत्मा लोगों को लाभ कर रहा हूं, वो मेरा गवाही है। समझ रहे हो? जब कलीसिया का फाउंडेशन, कलीसिया के जो विश्वासियां, जो भागीदारी लोग जब स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो क्या होने लगता है? बहुत सारे लोग परमेश्वर के निकट आना शुरू करते हैं। इसलिए उसका 30-31 में पतरस क्या कर रहा है, धैर्य के साथ बोल रहा है, हम उस यीशु मसीह के गवाही हैं। गवाही मतलब बोले नहीं, गवाही मतलब हेलो, गवाही मतलब मेरे को जवाब चाहिए, कुछ बोले नहीं। साथ में हो, गवाही का मतलब जवाब चाहिए, जवाब। कोर्ट में गवाही को पेश किया जाए, बोलने से उसका अर्थ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा था, कत्ल कर दिया, तो पुलिस आकर पहले किसको पकड़ता है? किसी ने यह चीज को देखा है क्या? हेलो स्पेक्टेटर, जिसने ये चीज, तब को लोग बोलेंगे हाँ मैंने देखा साहब, उनको क्या किया जाएगा? गवाही के हिसाब से पेश किया जाएगा। ओके ओके, तो पतरस कह रहा है मैं किसका गवाही हूं? हाँ, मैं अपने, इसीलिए पतरस कहां पे था यीशु मसीह का क्रूसअर्पण के समय में? सूली के नीचे, राइट नेक्स्ट टू द क्रॉस। हेलो, अगर गवाही हो चर्च में खड़े होकर लंबा लंबा भाषण देना नहीं, क्रूस के नीचे खड़े होकर बोलो, गवाही वहां से शुरू होती है। हाँ, हमारा सबका ट्रेंड क्या है, चर्च के अंदर गवाही शुरू होते। नो, बी अंडर द शैडो ऑफ द क्रॉस एंड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट द क्रॉस एंड अबाउट जीसस। उस सूली के नीचे खड़े होकर, उस सूली के ऊपर टंगा हुआ व्यक्ति का गवाही बनकर बोलो, वो व्यक्ति जो क्रूस पर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में टंगा हुआ कड़ा है, उसको मैंने कत्ल करके मारा था, मेरी पापों के वास्ते उसने मर गया, वो मरने के कारण आज मैं यहां खड़ा हूं क्रूस के नीचे। नहीं तो कहीं जेल के अंदर खड़ा होता, नहीं तो कहीं किसी को मार कर घूमता, कहीं किसकी जीवन को नाश करके घूमता। आज मैं कहां पे खड़ा हूं? अंडर द क्रॉस। गवाही वहां पे आना है। अगर एक व्यक्ति क्रूस के नीचे आएगा तब उसको पता चलेगा यीशु मसीह कैसे परिस्थिति में है। If you understand what cross is, अगर सूली क्या है तुम्हें पता चल गया ना, तुम अच्छी गवाही बनोगे। इसलिए कलीसिया को किस चीज की जरूरत है? गवाही, गवाही, साक्षी। I am a witness, गवाही। मैंने अपने इस आंखों से देखा किसको मरते, यीशु मसीह को मरते मैंने देखा। जो पतरस ने यीशु मसीह के क्रूसअर्पण के बारे में जब बताया था, तो पतरस ने कहा कभी भी तुम्हें ऐसा ना हो। क्या बोला, किसने बोला? पतरस ने क्या बोला? कभी भी ऐसा मैं यीशु मसीह को नहीं होना चाहिए। मगर अभी क्या हुआ, जो व्यक्ति बोला कभी नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति गवाही बनकर खड़ा होकर देख रहा है।
यीशु मसीह कौन है? पतरस के हिसाब से यीशु मसीह के बारे में पतरस क्या बोला? मैं कौन हूं? पतरस चेले बोलो बोलने सर, कितने लोग बोले? एलिया है, कितने लोग बोले? भविष्यवक्ता है। मगर पतरस ने क्या है? तू एकमात्र पुत्र है, यू आर द सन ऑफ गॉड। सूली पर टंगे होने पर भी परमेश्वर का पुत्र बनकर वहीं पर टंगा है। क्यों? ताकि हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए। वो है मेरा गवाही। गया मेरे अंदर परिवर्तन आ गया, मैं गवाही बन गया, मैं यीशु मसीह को है। यीशु मसीह एक बार क्रूस अर्पित हुए, उसको अर्पित मत करो। क्रूस अर्पित हुए काफी नहीं है क्या? काफी है वो एक बार की कोशिश। इसलिए पत्रस क्या करता है? मेरे जीवन में बनने का विश्वास पे क्या मसीह प्रारंभ हुआ? ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। सूली से तेरे आत्मिक जीवन की शुरुआत होनी चाहिए, सूली से तेरे विश्वास का शुरुआत होना चाहिए। गवाही वहां से शुरू कर। दिया गया है उसे हम तुम हम किसके मानते हैं? मर गए, दफनाया दिया गया, अब हमारे साथ कौन है? आत्मा है। हम किस टू वी ओबे? पवित्र आत्मा को हम ओबे कर रहे हैं। हेलो, मेरे साथ में हो? ऊंची इमारत बना के रख दिया गया, क्योंकि इमारत जाता है निवास योग्य के लिए, आया ना? तो उतनी ऊंचा इमारत बनाना है तो नीचे फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए? तो कलीसिया के अंदर को लाना है तो स्ट्रांग रहना चाहिए। बढ़ते 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 साथ में हो? इसलिए हमारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को गवाही पेश करना। कलीसिया के बाहर बोलो गवाही, कलीसिया के अंदर कितना भी बोलेंगे, 7 दिन 24 घंटा 365 डेज बोलेंगे गवाही कलीसिया के अंदर। अरे सब सुने हुए लोग है। अरे जो सुना नहीं उसको जाके बोलो, ऐसे बोलो तूने यीशु का कत्ल किया, क्या करेगा? एक थप्पड़ मारेगा तेरे, अच्छी थप्पड़ देगा। तू मैंने कहा यीशु को मार, मैंने तो नहीं मारा। क्यों लोग सताते हैं? जब सुसमाचार बोलते हैं क्यों लोग मारते हैं पीटते क्यों है? क्योंकि वो लोग जो काम किए नहीं है उस चीज मारेंगे नहीं। बाहर कलीसिया के अंदर उतर आया, पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतर आए और मजबूत कराने के लिए। पवित्र आत्मा को क्यों दिया गया? ताकि इस धरती का जीवन परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से होने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति हमें दिया गया। इसलिए कलीसिया का जरूरत है, पवित्र आत्मा की भर्ती जरूरत है। द फिलेज ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा भरने से ही गवाही बोल सकते हैं। पवित्र आत्मा बाहर सुसमाचार बोलने के लिए जा सकते हैं। पवित्र आत्मा पे क्या
क्या कर सकती है, लोगों को कलीसिया के अंदर ला सकती है, लोगों के अंदर परमेश्वर की तत्व को भरा सकती है। लो इसलिए पीसीओ का किताब दूसरी अध्याय 20 और 21 में क्या क्या गया है, यीशु मसीह खुद कॉर्नर स्टोन बने, मूल पत्थर है ना। एक और बात, प्रेरितों का किताब 4:11 4:11 कोने की सिरे की पत्थर बना, कौन? यीशु मसीह कोने की सिरे का पत्थर, वो एक इमारत बन गया, वो एक परमेश्वर का मंदिर बन गया, वो परमेश्वर के लिए निवास योग्य बना हुआ एक एरिया बन गया। क्यों? क्योंकि इमारत का कॉर्नरस्टोन यीशु मसीह है। मिलवाने वाला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा। हेलो, मेरे साथ में हो? इसलिए हमारा काम क्या है? रिक्रूटमेंट। लोगों को क्या करना चाहिए? इस पत्थर के साथ मिलवाना चाहिए। वो है हमारा काम, किसी और पास्टर जी का काम नहीं, पास्टर जी का काम नहीं, उस कलीसिया के अंदर के विश्वासियों का काम है। क्या करना? लोगों को किसके साथ मिलाना है? उस पत्थर के साथ मिला के रखना है। तो पास्टर जी का काम क्या है? पास्टर जी का काम क्या है, मतलब ये पत्थर मिलकर ही है या आधा निकलकर आधा अंदर आधा बाहर, ऐसा है क्या? मिस्त्री का काम क्या है? ईटा सेट है कि नहीं? मिस्त्री का काम क्या है? प्लास्टर करना है। विश्वासी का काम मिलवाना, पास्टर जी का काम क्या करना? प्लास्टर करना, ताकि कलीसिया के अंदर नहीं तो मनुष्य के अंदर पाप की प्रभाव ज्यादा ना हो, नहीं तो पवित्र आत्मा की जो श्रेष्ठता मनुष्य के अंदर है वो पाप की खड्डों में से निकल ना जाओ। इस रीति से पास्टर जी वचन बोलकर क्या करते हैं? प्लास्टर। हेलो, मेरे साथ में हो? राजमिस्त्री के समान काम कर रहे हैं ताकि कहीं भी क्या ना हो, एक भी छोटा खड्डा ना हो। इसलिए बाइबल कहता है थोड़ा ईस्ट पूरी मैदा को क्या कर सकता है? फुलवा सकता है। ए सिंगल एक्टिविटी कैन मल्टीप्लाई सिन। एक छोटा पाप पूरी शरीर को क्या कर सकता है? कलंकित कर सकता है। ऐसा है तो जितना पाप का प्रभाव है उससे भी अधिक पवित्र आत्मा की प्रभाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। हेलो, अगर पाप 1% है तो 99% पवित्र आत्मा की भर्ती जरूरी है। हेलो, मेरे साथ में हो? इसीलिए हमें सूली पर टंगा हुआ यीशु मसीह में हमें क्या दिखाई देता है? एक, हमारे लिए उद्धारी की रास्ता। दो, हमारा पुराना जीवन का जो श्रेष्ठ श्रेणी पाप था वो पूरा कहां पे है? यीशु मसीह में है। हेलो, अगर सूली के नीचे नहीं आएंगे तो कैसे हम देख सकेंगे? आजकल के जमाने में लोग खाली यीशु मसीह को देख रहे हैं, मगर यीशु मसीह जो पाप को बहाकर जो पाप को कैरी किया है उसको कोई देखता नहीं है। हेलो, मेरे साथ में हो? जब तक हम सूली के नीचे नहीं आते तो कलीसिया में क्या? इसलिए पत्रस कहता है हम किसके बारे में प्रचार करते हैं? क्रूसार्पित यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि क्रूसार्पित यीशु के बारे में प्रचार करने से ही कुछ फायदा है।
खाली क्रूसार्पित यीशु के बारे में प्रचार करने से काफी नहीं, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह के बारे में भी प्रकटन करना चाहिए। रिजरेक्टेड जीसस, रिजरेक्टेड जीसस बोलने से काफी नहीं। इसलिए बपतिस्मा क्या है? मौत, दफनाया जाना, पुनर्जीवित पाना, ये तीनों का मिश्रण है बपतिस्मा। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा किसको दिया जाता है? जो पाप में मर गया उसको क्या करना चाहिए? दफनाया दिया जाना है, कब्र में रख दिया जाना है, नहीं तो पानी में डुबकी लगा दिया जाना है। डुबकी लगाने के बाद उसको क्या होना है? पुनर्जीवित होकर जी उठना है। यू शुड गेट अप। पाप में मरा है तो पुनर्जीवित होगा, पाप में मरा नहीं है तो पुनर्जीवित नहीं होगा। ओ मेरे साथ, पुनर्जीवित हुआ व्यक्ति को क्या कर, क्या उसके ऊपर पवित्र आत्मा की शक्ति उतर आया। हेलो, पानी की बपतिस्मा काफी नहीं है, कौन सी बपतिस्मा चाहिए? आत्मा की बपतिस्मा, स्पिरिट बैप्टिज्म, बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट। हेलो, इसलिए प्रेरितों ने क्या किया? उस बपतिस्मा की पूर्णता को पाने के लिए प्रेरितों का किताब दूसरी अध्याय में वो लोग मिलकर क्या किए? परमेश्वर के सन्निधि में एकजुट बनकर क्या किए? प्रार्थना, विनती, रोना धोना सब कुछ करके वो लोग क्या किया? परमेश्वर के निकट के गिड़गिड़ाकर आत्मा की शक्ति की परिपूर्णता पाए। आत्मा की शरीर शक्ति की परिपूर्णता पाने के बाद वो लोग कलीसिया के अंदर नहीं रुके, कहां गए? बाहर। सेवकाई कलीसिया के अंदर नहीं। इसलिए बाइबल क्या कहती है? वो लोग हरदम कहां पे मिलते? घरों में मिलते थे। कहां मिलते थे? घर के अंदर। घर में मिलना ही नहीं, वो लोग क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे, प्रभु भोज करते थे। प्रभु भोज किस चीज की चिन्ह है? यीशु मसीह की मौत से लेकर यीशु मसीह की वापसी तक की रिमेंबरेंस। तो प्रभु भोज काय के लिए किया जाता है? किसी दूसरी चीज तेरे को याद नहीं आनी चाहिए, कौन सी चीज तेरे को याद आना चाहिए? हाँ, हम लोग को सबको दूसरे दूसरे चीज याद आते हैं। एक पिछले कुछ दिन पहले एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसके फोन में उनके मरे हुए मम्मी जी का फोटो रखा है। मैं सोचा वो क्यों? नहीं, वो मुझे याद आती है। मैं बोला वो विश्वासी है? हाँ। वो विश्वासी होकर ही मरे थे? हाँ। तो फिर तुम क्यों याद कर रहे हो? मैं पूछा, अरे जितना तू तेरी मम्मी को याद कर रहा है उतना तू प्रभु को याद करता है? हाँ, कभी कभी, कभी कभी, मम्मी को हरदम। तो ये किसको याद करता है? जो हमें बहुत रिमेंबरेंस दे रही है उसको हटाकर परमेश्वर को याद करने के लिए, परमेश्वर ने किया हुआ त्याग को याद करने के लिए, क्रूस के नीचे हमें मिला मुक्ति को याद करने के लिए, क्रूस के पीछे हमारा जो कुछ भी पाप का भार है वो पीछे है वो याद करने के लिए। हेलो हेलो, मेरे साथ में हो? वो है कलीसिया का फाउंडेशन। इसलिए पत्रस कहता है, मैं गवाही हूं। कुछ 8 घंटा पहले एक आदमी का कान काट दिया, पत्रस बोल रहा है। सूली के नीचे आने के बाद उसको पता चल गया मैं कितना घिनौनी व्यक्ति हूं, हाउ रिच मैन आई एम। इसलिए आज हम भी उसी सूली के नीचे आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर मैं भी उस सूली के नीचे आने के लिए तैयार हूं, वहां से मेरी जीवन की शुरुआती हुई है। सूली के नीचे से उसको क्या मिला? गवाही का एक भंडार, ए ट्रेशर ऑफ बीइंग विटनेस, गवाही बनने के लिए। परमेश्वर हमें क्यों गवाही बन के रखे? ताकि कलीसिया के अंदर, नहीं तो इस उस जिस पत्थर को लोग त्याग कर दिए, छोड़ दिए, उस पत्थर के साथ लोगों को तेरी गवाही के हिसाब से मिलना चाहिए। दे शुड गेट स्टक अप विथ योर विटनेस। और
कलीसिया के अंदर के जो सेवक लोग हैं वो लोग प्लास्टरिंग करेंगे ताकि कलीसिया के अंदर कलीसिया के विश्वास आत्मा के द्वारा पूर्ण बनकर पाप को थोड़ा भी मौका ना दे। उस रीति से परमेश्वर के मंदिर को मजबूत बना के रखे, वो है परमेश्वर का फाउंडेशन। इसलिए बाहर की सेवकाई बाहर वाले करेंगे, अंदर की सेवकाई अंदर के सेवक लोग करेंगे। इसलिए आज सुबह के समय परमेश्वर के सन्निधि में एक निर्णय लेके रखें, मैं यीशु मसीह के सूली के नीचे आ रहा हूं, आई एम रेडी टू रिमेंबर जीसस। मैं यीशु मसीह को ही ज्यादा ज्यादा क्या करूंगा, याद करूंगा। इसलिए अपने आंखें को बंद करते परमेश्वर के सन्निधि में समर्पण करते। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय तेरे सन्निधि में तेरे वचनों के साथ एक बार मिलके आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हमें अपने जीवन में, परमेश्वर तूने सूली से ही हमारा जीवन शुरुआत किया है, उस सूली के निकट वापस आने के लिए, याद करने के लिए। हम अपने जीवन में दूसरे चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, मायने रख रहे हैं, परमेश्वर उन सब चीज़ों को दूर हटाकर यीशु मसीह को ज़्यादा से ज़्यादा रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए, यीशु मसीह हमारे लिए किया हुआ चीज़ों को याद करने के कर हम भी अच्छे गवाही बनने के लिए हमें तैयार कीजिए। परमेश्वर पतरस के समान, यूहन्ना के समान, बाकी चेलों के समान परमेश्वर हमें भी गवाही बना, हमें भी परमेश्वर, हमें भी परमेश्वर सूली की श्रेष्ठता से हमें भी मुक्ति मिली है। परमेश्वर उस मुक्ति को अनुभव करके जीवन यापन करने के लिए हमें सहायता दीजिए। परमेश्वर इतना समय हमें परमेश्वर के वचन से याद करने के लिए, बात करने के लिए अच्छा अवसर हमें लिए, हमारे लिए खोल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड।